रुखा चैनल में हम अज्ञेय जी की दूसरी कविता का शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या उसका काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य और प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञेय जी की इस दूसरी कविता का शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। अब इसके हम शब्दार्थ करते हैं। विराट का अर्थ है बहुत बड़ा ब्रह्म। उन्मोचन का मीनिंग है मुक्त करना ढीला करना और नश्वरता का अर्थ है नाशवान। संदर्भ यह 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतरा से मैंने देखा एक बूंद शीर्षक कविता की काव्य पंक्तियां हैं और इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रसंग ये अब इसका प्रसंग लिखते हैं। कवि ने जीवन के महत्व को इस कविता में प्रकट किया है। बूंद और समुद्र के प्रतीकों से वही एक और समग्र वाली दार्शनिकता की यहां पर भी अभिव्यक्ति की गई है जो उनकी पहली कविता में हम देख चुके हैं। व्याख्या अज्ञेय जी इस कविता में कहते हैं कि उन्होंने एक दिन अचानक ही देखा कि समुद्र की विराट जल राशि में से जल की एक बूंद उछली और आसमान में संध्या काल के ढल रहे सूरज की लालिमा में वह एक क्षण के लिए रंगीन हो गई। फिर वह बूंद उसी समुद्र में गिरी और उसके जल में समा गई। उसका अस्तित्व मिट गया। कवि ने सामान्य सी घटना में समाहित एक विराट और व्यापक अर्थ को अपने हृदय में महसूस किया कि पानी की एक बूंद समुद्र की तुलना में बहुत जरा सी है, अस्तित्वहीन है, पर जब वह उससे भिन्न होकर उछलती है तो वह उसे सूर्य की लालिमा अपना रंग प्रदान करके एक नया स्वरूप ही दे देती है। पानी की वही बूंद पल भर के बाद फिर से समुद्र में विलीन होकर अपना अस्तित्व गंवा देती है। इस तरह अपनी नश्वरता को ही वह प्रकट करती है। बावजूद इसके उसका एक पल का वह जीवन जो सूर्य के रंग से दीपित हुआ था जगमगाया था वह संसार को अपने स्वतंत्र वजूद का आभास कराता है। कवि कहते हैं कि मैंने इस घटना में यह देख लिया कि जब अपनेपन का कोई प्रकाश हमें स्पर्श करता है तो वह नश्वरता से मुक्ति भी दिलाता है। संसार में सभी कुछ नाशवान है पर हमें नाशवान होने की अनिवार्यता के बावजूद अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को भी पाने की चेष्टा करना चाहिए। और अब काव्य सौंदर्य। पहला खड़ी बोली में कविता की रचना की गई है। दूसरा प्रगीत शैली का प्रयोग हुआ है और तीसरा कविता में प्रतीक विधान और बिंब विधान का प्रयोग हुआ है। अनेक उदाहरण प्रयोग में लाए गए हैं इसलिए दृष्टांत अलंकार है। पांचवा कविता में शांतरस है। छठवां मुक्त छंद शैली है और सातवां माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। अब भाव सौंदर्य देखते हैं। कवि ने लघु जीवन से युक्त अस्तित्व की महत्ता को स्पष्ट किया है और अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। उत्तर है कि सागर और बूंद से कवि का आशय यह है कि सागर समष्टि है विराट है बूंद उसका एक लघु अंश है। दूसरे अर्थों में सागर एक मनुष्य समाज है और बूंद एक अकेला मनुष्य है। समुद्र की तुलना में बूंद अत्यंत तुच्छ है परंतु तुच्छ होते हुए भी जब वह समुद्र से
उछलती है और सूर्य उसे अपना एक नया रंग दे देता है, तब वह उस विशाल समुद्र से बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है, उसका एक अलग अस्तित्व बनता है। इसी तरह समाज की तुलना में एक अकेले मनुष्य का अस्तित्व अत्यंत नगण्य है, परंतु जब वह विशिष्ट कार्य करता है तो समाज में भी श्रेष्ठता पा लेता है। दूसरा प्रश्न, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। उत्तर है कि इसकी सार्थकता इस प्रकार बता सकते हैं, एक अकेली बूंद का विराट समुद्र के सामने कोई महत्व तो नहीं होता, क्योंकि वह उसमें विलीन है, अलग से उसका कोई वजूद नहीं है। पर जब वह समुद्र से ऊपर उछलती है और सूरज की लालिमा को पा लेती है तो वही काले या नीले समुद्र की तुलना में अपना अलग अस्तित्व बना लेती है। यह उस तुच्छ बूंद की सार्थकता है। और अब प्रश्न तीसरा, सुने विराट के सम्मुख डॉट डॉट दाग से, पंक्तियों का भावार्थ बताइए। उत्तर है, संसार नाशवान है, हम भी नाशवान हैं, परंतु अपने नाशवान होने के सत्य के कारण हम अपने कर्म की सार्थकता से वंचित रहे आए, यह असंभव है। जब भी हम समाज के पक्ष में जीवन के हित में और मानवता के लाभ के लिए जरा सा भी योगदान करते हैं, वही हमें नश्वरता से निकालकर अमर बना देता है। और अब चौथा प्रश्न, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव इस प्रकार बताया जा सकता है कि यद्यपि सारा संसार ही नाशवान है, परंतु इसी नाशवान संसार में मिला एक क्षण भी यदि हम अपने माध्यम से सार्थक बना दें तो वह क्षण हमारे संपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है। कविता का मूल भाव भी यही है कि जिस तरह विशाल समुद्र के सामने उसके जल की एक बूंद महत्वहीन होती है, परंतु उससे अलग होकर यदि वह एक क्षण के लिए भी अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता और सार्थकता का एहसास करा देती है तो वह अपनी विशिष्टता का ही परिचय करा देती है। मनुष्य भी अपने संपूर्ण वैयक्तिक जीवन के एक क्षण को भी यदि समाज के प्रति कुछ करने में लगा देता है तो वही क्षण उसकी सार्थकता बन जाता है, शेष सब नाशवान व अस्थाई है। तो यह था अज्ञेय जी की दूसरी कविता की व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।